हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी वसंत पंचमी। तो आज का दिन होता है, आज हम सभी जो कुछ होता है येलो पहनते हैं। तो आज मैंने येलो नहीं कहेंगे लेकिन ऑरेंज ड्रेस डाली, और ये येलो कलर की लहठी मैंने पहनी है। और आपको आगे मैं दिखाती हूँ कि अभी ठंड भी बहुत था, लेकिन मैं नहा धुल के अभी नीचे आ गई हूँ। नीचे लाइट अच्छा होता है, इस वजह से मुझे यहाँ वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है। और आज आपको खाने में भी क्या बन रहा है मैं दिखाती हूँ। और अभी देखिए, नोटी सा बच्चा, इसको मैंने कितना भी बोला येल्लो पहनने को, इसने येल्लो नहीं पहना है। और देखो पीछे से हाई कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का क्या क्या मैंने किया। तो आप ब्लॉग पे कंटिन्यू रहना। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो मेरी ऑडियो थी वो डिलीट हो गई थी, तो मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप उसको इग्नोर करना। तो चलिए मेरे ब्लॉग पे कंटिन्यू करिए। हम लोग इसको बाहर बिहार में मालपुआ भी बोलते हैं, और ये खास करके वसंत पंचमी के दिन बनता ही बनता है। और इसमें मम्मी ने डाला है अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला है, और ये थोड़ा सा इलायची वो मैश कर रही है हमारी रेखा। और जब ये गुल अब इसमें शायद क्या डालोगी मम्मी? केला, चीनी, केला, और दूध। दूध, चीनी, केला और दूध मम्मी डालेंगी, और इनको रात भर, जिससे ये पूरा सॉफ्टनेस जो आता है ना वो आ जाएगा। तो जब पुआ बन जाएगा, मालपुआ बन जाएगा, तो मैं आपको दिखा। ये क्या हो रहा है पंकज, पुआ का ये इसको फेंट रहा हूँ। अच्छे से मिक्स करोगे ना, बहुत मेहनत लगता है। ये रात में फूलने को डाला गया है, फिर अभी इसमें दूध डाला गया है, सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, केले वगैरह, चीनी वगैरह रात में ही मिलाकर डाल दी थी मम्मी। और अब इसको अच्छे से मैश करके पंकज इसको फेंटेगा बहुत टाइम तक, ताकि पुआ बहुत अच्छे से फूले। भैया यहीं पे आके समझ में आता है ये सब फेस्टिवल। ये देखिए कितना अच्छा से ये डोर तैयार हो रहा है पूरा अच्छे से इसका। और जब फ्राई होगा तो भी मैं दिखाऊंगी कितना अच्छे से ये फूल जाएगा। और पंकज, हैप्पी बसंत पंचमी कह दो। हैप्पी बसंत पंचमी। और इस तरीके से इसका इसकी घोल होनी चाहिए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी एक ब्लॉग बनाऊंगी इसकी रेसिपी पे, ठीक है? पुआ बनकर तैयार हो गई है। और देखो फ्रेंड्स, ये जो जाली जाली ऊपर में आई है, ये यही पुआ का मेन होता है जो होना चाहिए। और बस बहुत ही सॉफ्ट पुआ बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। मम्मी के हाथ का पुआ ऐसे भी बहुत फेमस है, और सरस्वती पूजा में तो ये बनती ही है। और ये तैयारी हो गई है वसंत पंचमी की। आज सब कुछ पीला पीला बनाते हैं। तो आज हल्दी में फ्राई किए पनीर ना थोड़ा सा डाल के, और ये मटर पनीर की सब्जी, और ये रहा खीर। चला कर दिखा दो पंकज। पंकज मास्टर हो गया ना पंकज, वाह। जी। और वो कढ़ाई तो ना दिखा दो, कढ़ाई भी। इसमें क्या कर रहे हो, मसाला भून रहे हो? मसाला भुजा रहा पनीर वाला। अच्छा, वही जनरल मसाला जो प्याज वगैरह है ना वही। चलो अच्छा, खीर तो देखने में बहुत यम्मी लग रहा है। दिन में मैं प्रसाद में आपको क्या मेन चीज़ होती है जो चढ़ाते हैं भगवान को, सरस्वती माँ को, तो ये बैर हमारे यहाँ चढ़ाते हैं जरूर से। इसका आज के दिन में बहुत महत्व है, क्योंकि सरस्वती माँ को ये बैर बहुत पसंद होती है। आप कोई भी फ्रूट चढ़ाए लेकिन इसके साथ बैर जरूर से चढ़ाए, हम लोग चढ़ाते आ रहे हैं। तो ये प्रसाद में मेन होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मुझे रिसीव हुआ है अमेज़ोन से, मैंने ऑर्डर किया था। ये मोबाइल एक्सेसरीज क्रॉस वोल्ट के है, और ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इससे आप कोई भी डाटा आप अपने पेन ड्राइव में डाल सकते हैं, या पेन ड्राइव का डाटा इसमें ला सकते हैं। ये इस टाइप से पैकेट में मुझे रिसीव हुआ है, और इसे कनेक्ट करके, और शायद इसमें हम
हम अपने पेन ड्राइव को लगा के उसके सारे डाटा को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं केबल डाटा वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वन प्लस नॉर्ड मोबाइल जो होता है ना, उससे फाइल ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे एक जेन्युइन रेट में ये सही मिल गया है। अगर ऐसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो गया है और अचानक से दिन भर मीठा खा खा कर हो रहा है कि कुछ चलो चटपटा खाया जाए। और पंकज घर पे पानी पूरी लाने वाला था, तो मैंने कहा कि नहीं, बाहर चल के ही खाएंगे, क्योंकि वो बाहर जो पानी पूरी वाले खिलाते हैं ना, वो घर पे रायता फैला कर खाने में वो मज़ा नहीं आता है। तो चलिए, आप भी मेरे साथ बने रहिए। तो मैं अभी निकल गई हूँ। इधर आ जाओ गुन्नू, इस साइड आ जाओ। प्रणाम कर लो गुन्नू। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज का एंड करती हूँ। और माँ सरस्वती सब पे कृपा बना कर रखे। तो आपको अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।